भोपाल के टिलाज मालपुरा निवासी दीपक मरावी की टीका परीक्षण के उपरांत मौत हो गई थी, जिसकी खबर मिलने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने मृतक की पत्नी व 3 बच्चों से बात की। श्रीमती मरावी ने बताया पूर्व मुख्यमंत्री को कि बिना जानकारी के उनके पति को टीका लगाया गया। मरावी की पत्नी ने बताया कि उनके पति को कोई भी गंभीर बीमारी नहीं थी, टीका लगने से ही उनकी मौत हुई है। उनकी मृत्यु के बाद शासन प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली है। उनके छोटे बेटे पवन के दिल में छेद है। दिग्विजय सिंह ने बच्चे के व्यक्तिगत रूप से इलाज करवाने का वादा किया है। मैं निंदा करता हूँ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने रचना डिगरा ने जो ये बात उठाई थी उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए, क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? यह हमारा युवा दीपक मरावी मंडला का रहने वाला, उसकी पत्नी बैतूल के रहने वाली, 3 बेटे हैं, मासूम बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, आज तक प्रशासन का कोई आदमी देखने तक नहीं आया। निंदा करता हूं, शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों को। इस तरह से आपने इनको एक गिनी पिग बना रखा है। मैं पूरे तरीके जिम्मेदारी लेता हूं इस परिवार के देखभाल की। उसके सबसे छोटा बेटा जो पवन है उसके दिल में छेद है, उसका हम लोग इलाज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे और इस परिवार को पालन पोषण की व्यवस्था की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।